गुड इवनिंग बच्चों कैसे हैं आप सभी मायसेल भरत फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री सोचिंग के ऑनलाइन केम पे आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं बच्चों बच्चों हमारा जो चैप्टर चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास केमिस्ट्री का सेकंड उसके अंदर हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी उस लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था प्रोटोन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था और मिलीकंस का जो ऑयल ड्रॉप मेथड था जिसके थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज डिस्कवर किया गया उसके बारे में भी पढ़ लिया था बच्चों हमने और उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि अब जो हमारी आज की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स क्या पढ़ेंगे बच्चों एटॉमिक मॉडल्स यानी जो डोल्टन साहब आए थे सबसे पहले डोल्टन साहब ने एटम के बारे में अपनी थ्योरी रिप्रेजेंट की थी एटम के बारे में सबसे पहले उन्होंने ही बताया प्रूफ लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होते होते एटम की जो स्ट्रक्चर है एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको समझाने के लिए उसको बताने के लिए कई सारे साइंटिस्ट आए कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए अपने अपने मॉडल रिप्रेजेंट किए तो उनमें जो पहले जो साइंटिस्ट आए वो साइंटिस्ट कौन थे थॉमसन कौन थे बेटा थॉमसन तो थॉमसन साहब ने अपना मॉडल दिया एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए तो जिसे क्या नाम दिया गया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या नाम दिया गया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम तो एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहले परमाणु मॉडल में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम तो पूरा ध्यान देना ठीक है ना देखो थॉमसन साहब आए और थॉमसन साहब ने क्या बताया कि थॉमसन साहब ने बताया कि जो एटम है जो एटम है वो किस फॉर्म में पाया जाता है एटम जो पाया जाता है वो स्पेरिकल और पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज के गोले के रूप में पाया जाता है किसके पॉजिटिव चार्ज के गोले के फॉर्म में पाया जाता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं ये पॉजिटिव गोला है पॉजिटिव गोला है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट हो रहे और इन्होंने इसकी जो है इसका कंपैरिजन किससे किया वाटरमेलन से किया किससे किया वाटरमेलन किस से, से किया और वाटरमेलन से कंपैरिजन करके इन्होंने क्या बोला कि वाटरमेलन के बिल्कुल जैसा ये मॉडल दिखता है वाटरमेलन के बिल्कुल जैसा ये मॉडल दिखता है यानी वाटरमेलन कहने का मतलब इस मॉडल जैसा दिख रहा है दोनों एक दूसरे के सेम है कैसे उन्होंने बोला कि जो ये वॉटर मेलन का जो रेड वाला खाने वाला जो भाग होता है वो होते हैं क्या स्पेरिकल पॉजिटिव चार्ज वाला भाग कौन सा भाग होता है स्पेरिकल पॉजिटिव चार्ज वाला भाग ठीक है और जो इसके अंदर और जो इसके अंदर ये जो बीज होते हैं इसके ये जो सीड्स होते हैं इसके किसके तरबूज के वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं इन सीड्स को उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा ये सीड्स क्या है इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से स्फेरिकल पॉजिटिव चार्ज गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं उसी तरीके से तरबूज के खाने वाले भाग के अंदर जो है सीड्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं तो खाने वाले भाग को उन्होंने क्या बोला इन्होंने बोला स्फेरिकल पॉजिटिव चार्ज वाला भाग और इनको सीड्स को क्या बोला इनको बोला इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या बोला बेटा इलेक्ट्रॉन ठीक है तो आगे देखते हैं दिस मॉडल इज प्रोपोज बाई जेजे थॉमसन इन एटीन एटीन नाइन एट में जेजे थॉमसन साहब ने दिया था ठीक है अकॉर्डिंग टू थॉमसन थॉमसन साहब के अनुसार एटम कंजिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्पियर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो एटम है आपका वो यूनिफॉर्म स्फीयर होता है पॉजिटिव चार्ज का यानी पॉजिटिव चार्ज का गोला होता है जिसमें सब तरफ पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं और जिसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अभी हम देख ही चुके मॉडल और वॉटरमेलन से भी उसका कंपैरिजन कर ही चुके हैं बेटा आप वॉटरमेलन मॉडल तो बोलेंगे मिठाई होती है उससे भी इन्होंने इनको इन्हों कंपेयर किया और रेजिंग पुडिंग मॉडल और रेजिंग पुडिंग मॉडल से भी इसको कंपेयर किया था क्लियर है अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम जो इंपॉर्टेंट फीचर इन्होंने बताया जो इंपॉर्टेंट फीचर इन्होंने इसके अंदर बताया वो इंपॉर्टेंट फीचर क्या था कि जो मास होता है किसका एटम का जो मास होता है किसका एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है किसके अंदर एटम के अंदर ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था इस मॉडल का अब देखो अब इन्होंने जो मॉडल दिया उसमें कुछ कमियां थी अब वो क्या कमी थी इन्होंने जो ड्रॉबैक्स बता इसका जो ड्रॉबैक्स था वो देखेंगे कमी को देखेंगे इट कैन नॉट एक्सप्लेन एस्टेबिलिटी ऑफ एन एटम मतलब इन्होंने ये तो बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जो आपका एटम है एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज वाला भाग है जो गोला है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं लेकिन इन्होंने एटम की जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया जो इनके मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी या ड्रॉबैक था क्लियर है देखते हैं तो ये तो इनके मॉडल की कमी हो गई अब मास मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है वो मैं बता ही चुका इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं मतलब इसके अंदर इसके अंदर जो इसका मास होता है एटम का जो मास होता है जो पॉजिटिव गोले वाला भाग होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं अंतर्निहित होते हैं एम्बेडेड होते हैं ये देख ही चुके अपन आप देखिए अब क्या था इनके बारे में थोड़ी सी नॉर्मल में आपको नॉलेज दे देता हूं क्योंकि आप अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे तो नीट में ये पूछ लिया जाता है 906 में सॉरी 1906 में इनको नोबल प्राइज मिला था किसमें फिजिक्स में नोबल प्राइज मिला था इनको हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री लेकिन इनको फिजिक्स में नोबल प्राइज मिला ठीक है देखो अब फोर एक्सपेरिमेंट क्यों मिला फोर एक्सपेरिमेंट ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन गैसेस यानी गैसों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के एक्सपेरिमेंट के लिए हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ी तो वहां पे गैसों के अंदर क्या हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है क्या हो रहा है कंडक्शन हो रहा है तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट किया था ने तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी तो वहां पे उन्होंने गैसों में क्या करवाई थी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई थी तो इसलिए इनको क्या मिला बेटा नोबेल प्राइज मिला मिल गया नोबेल प्राइज चल गए अपने घर नोबेल प्राइज लेके ठीक है लेकिन इनके मॉडल में क्या थी कमियां तो अब उन कमियों को दूर करने के लिए कौन आए रदर साहब कौन आए रदर साहब आए अब रदर साहब आए अब रदर साहब आए।, आए तो रदर साहब ने इनकी कमियों को दूर करते हुए कौन सा मॉडल दिया रदर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्लियर है अब इन्होंने क्या किया सबसे पहले बात करें इन्होंने क्या किया अपने मॉडल के अंदर इन्होंने क्या किया इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया किसका रेडियम का या पोलोनियम का किसका रेडियम का या पोलोनियम का इन्होंने रेडियो एक्टिव सोर्स लिया और एक गोल्ड फोइल ले ली मतलब सोने की पतली चादर एक गोल्ड फोइल ली और इसके चारों ओर गोल्ड फोइल के चारों ओर क्या लगा दी फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी क्या लगा दी ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी ठीक है और उसके बाद इन्होंने क्या किया इस रेडियो एक्टिव से अल्फा पार्टिकल्स किनको अल्फा पार्टिकल्स को अल्फा पार्टिकल्स को इन्होंने इस पे बमवार किया यानी अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराई पे गोल्ड फोइल पे तो गोल्ड फुल्फ अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराने पर क्या हो गया अच्छा पहले मैं ये बता दूं अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं जो आपके हीलियम होता है हीलियम होता है, हीलियम पे कितना चार्ज होता है प्लस टू होता है तो जो आपका एच ई प्लस टू है हीलियम, वही आपका क्या है अल्फा पार्टिकल वही क्या है अल्फा पार्टिकल क्लियर है तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बमबारी करवाई किस पे गोल्ड फॉइल पे, ठीक है अब गोल्ड फोइल पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बमबारी करवाई तो क्या हुआ कुछ अल्फा पार्टिकल इसमें से क्या हुए डिफ्लेक्टेड हो गए लेकिन 99.9% परसेंट लगभग कितने 99.9% परसेंट लगभग अल्फा पार्टिकल क्या हुए बिल्कुल सीधे निकल गए ये निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल सीधे निकल गए ये नॉन डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए बिना ही बिल्कुल गोल्ड फिल्म में से सीधे निकल गए लेकिन बाकी बचे हुए जो पार्टिकल्स थे उन अल्फा पार्टिकल्स थे उन अल्फा पार्टिकल्स पार्टिकल में से कुछ पार्टिकल्स क्या हो गए डिफ्लेक्टेड हो गए ये, हो, गए। ये हो रहा है ये डिफ्लेक्टेड हो रहा है दिख रहा है आपको तो डिफ्लेक्टेड हो गए क्लियर है अब डिफ्लेक्टेड हो गए डिफ्लेक्टेड कुछ ही पार्टिकल हुए क्योंकि 99.9% नाइन पॉइंट नाइन परसेंट तो इधर चले गए इसमें से कुछ पार्टिकल जो थोड़े बहुत बचे वो क्या हुए डिफ्लेक्टेड हो गए लेकिन कुछ पार्टिकल कुछ पार्टिकल मतलब लगभग ट्वेंटी थाउजेंड पार्टिकल में से एक पार्टिकल अपन बोल सकते हैं वो क्या हुआ इससे गोल्ड फोल्ड से टकराकर वापस लोड गया वन एटी डिग्री की एंगल पे वापस लौट गया ठीक है अब ये वापस लौटा ये वापस लौटा तो ये वापस लौटा तो फिर कुछ ना कुछ तो इसके अंदर बात होगी क्या बात होगी कुछ तो इसमें से सीधे निकल गए कुछ डिफ्लेक्ट हो गए लेकिन एक एल्फा कण एक एल्फा पार्टिकल लगभग बीस हजार में से ट्वेंटी थाउजेंड में से वापस लौट आया तो ये सब जो हुआ ये क्यों हुआ ये सब मैं आपको अभी बता रहा हूं ठीक है देखिए रदरफोर्ड बोमबार्ड वेरी थिन गोल्ड फोइल रदर फोर्ड ने बम्बारी करवाई बहुत ही पतली गोल्ड फोइल पे किसकी एल्फा पार्टिकल की द गोल्ड फोइल हैड अ सर्कुलर फ्लोरोसेंट जेडेनेस स्क्रीन तो गोल्ड फोइल के चार ओर क्या लगाई इन्होंने जेडनएस स्क्रीन लगाई क्योंकि बेटा जेड एन लगाएंगे ये अल्फा पार्टिकल टकराएंगे जेडन स्क्रीन से तभी तो पता चल पाएगा ना कि कौन से अल्फा पार्टिकल किस तरफ जा रहे हैं नहीं तो कैसे पता चलेगा भाई ये इससे टकराएंगे जेड एन स्क्रीन से अल्फा पार्टिकल गोल्ड फोल्ड से टकराने के बाद तो फिर पता चलेगा भाई लाइट डेवलप होगी क्लियर है जेड स्क्रीन से टकराने के बाद तो पता चल जाएगा भाई कितने पार्टिकल किस साइड गए गोल्ड फोइल और फिर देखो क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने बमबारी तो करा दी क्या ऑब्जर्व किया मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू गोल्ड फॉइल उसमें से कई सारे जो पार्टिकल्स हैं अल्फा पार्टिकल्स वो गोल्ड फॉइल में से पास हो गए बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में लगभग 99.9 परसेंट ये मैं बता चुका बेटा आपको है ना अब आगे देखते हैं गोल्ड फॉइल इज हाइली मेलिएबल अच्छा इन्होंने गोल्ड फॉइली क्यों ली इसके अंदर क्योंकि गोल्ड फॉइल जो होती है ना बेटा हाईली मेलिएबल होती है यानी आप इसको कितना भी चपटा कर सकते हो अपनी भाषा में अगर बोले तो स्मोल फ्रैक्शन डिफ्लेक्टेड थ्रो वेरी स्मॉल एंगल और उसमें से कुछ पार्ट कुछ पार्ट जो है अल्फा पार्टिकल का कुछ पार्ट क्या हुआ डिफ्लेक्टेड हो गया बहुत ही स्मॉल एंगल पे जो मैंने आपको बताया और वेरी फ्यू पार्टिकल लगभग वन अबाउट वन इज वन थाउजेंड मतलब इन इन ट्वेंटी थाउजेंड मतलब ट्वेंटी थाउजेंड में से लगभग एक पार्टिकल क्या हुआ बाउंस बेक वापिस आ गया और यानी यू कह सकते हैं कि वो डिफ्लेक्टेड तो हुआ लेकिन 180 डिग्री से डिफ्लेक्टेड हुआ तो 180 डिग्री वापस जाएगा तो उसी रास्ते वापस आएगा नोट एक नोट जरूर है यहां पे इसको ध्यान से देखें सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल वो रेडियम जो अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स है ना वो रेडियम है और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो क्या है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है रेडियम क्या होता है सब्सटेंस होता है वो तो मैंने आपको पहले ही बोला या तो आप रेडियम लीजिए या तो आप क्या लीजिए पोलोनियम आगे देखें फॉलोइंग कोलक्लूजन वर ड्रॉन फ्रॉम रदर एक्सपेरिमेंट मतलब ब्रदर फोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उनकी एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ कॉन्क्लूजन भी निकले क्या कॉन्क्लूजन निकले कुछ निष्कर्ष निकले मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्पिटी मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्पिटी इन एटम मतलब इसमें से कई भाग जो होता है ना एटम के अंदर का जो कई सारा जो भाग होता है वो क्या होता है खाली होता है वो बिना डिफ्लेक्ट हुए क्योंकि खाली है तभी तो पास हो गए कुछ होता तो टकराते देख लो आप तो ये इस तरीके से पास हो गए खाली भाग में से आगे देखें अब फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कुछ अल्फा पार्टिकल्स विटेड इट प्रूव द होल पॉजिटिव चार्ज इज कंसेंट्रेटेड एंड स्पेस बाय द पॉजिटिव चार्ज वेरी स्मॉल यानी कुछ एल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्टेड हुए जो प्रूफ करता है कि जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है पूरा पॉजिटिव जो चार्ज है वो कंसंट्रेटेड है वो क्या है कंसंट्रेटेड है कंसेंट्रेटेड का मतलब एक जगह इकट्ठा है क्योंकि ये केवल डिफ्लेक्टेड हुए ये केवल हुए अगर यहां पे पूरा चार्ज होता पॉजिटिव चार्ज होता तो ये डिफ्लेक्टेड हो नहीं होते इस तरीके से ये फिर 180 डिग्री में डिफ्लेक्टेड हो जाते लेकिन ये 180 डिग्री में डिफ्लेक्ट नहीं हुए ये थोड़ा हल्का सा डिफ्लेक्टेड होके चले गए तो इसका मतलब जो है आपका जो मास है वो कंसंट्रेटेड है कहा बीच में मिड में एंड स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्मॉल और जो स्पेस ऑक्यूपाइड है पॉजिटिव चार्ज के थ्रू वो क्या है बहुत ही स्मॉल है है कि नहीं है शेप ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम अब जो पॉजिटिव चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाला वो क्या कहलाएगा आपका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज वाला भाग तो शेप जो है न्यूक्लियस की वो बहुत ही स्मॉल है किसके कंपेयर में एटम के कंपेयर में किसके कंपेयर में एटम के कंपेयर में तो बहुत कम है इसका साइज शेप न्यूक्लियस का रेडियस ऑफ एटम माइन टेन की पावर माइनस टेन मीटर यानी एटम की रेडियस अगर टेन की पावर माइनस टेन मीटर है तो न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो कितनी होगी टेन की पावर माइनस फिफ्टीन मीटर यानी न्यूक्लियस इससे लगभग वन लेख मीटर छोटा है यानी न्यूक्लियस की रेडियस इससे वन लेख मीटर कम है किसकी रेडियस से एटम की रेडियस से वन लेख कितना छोटा हो गया आगे देखें अब वेरी फ्यू पार्टिकल्स रिटर्न देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट न्यूक्लियस इज वेरी रिजिड कुछ पार्टिकल जो है वो रिटर्न हो गए मैंने बोला था आपको लगभग ट्वेंटी थाउजेंड में से एक पार्टिकल कह सकते हैं अपन वो वापस क्या हुए रिटर्न हो गए देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट इंडिकेटिंग दैट न्यूक्लियस इज वेरी रिजिड जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही रिजिड होता है मतलब सारा जो आपका जो चार्ज है, जो मास है वो किसमें न्यूक्लियस के अंदर कंसेंट्रेटेड हो, होता है एंड अल्फा पार्टिकल रिक्वायर्स ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन और अल्फा पार्टिकल वापिस चले जाते हैं अल्फा पार्टिकल वापस चले जाते हैं किसके कारण कोलिजन के कारण हालांकि ये केवल ऐसे शो कर रहा है ऐसे नहीं जाएंगे एल्फा पार्टिकल आपके यहां पे ये न्यूक्लियस है तो ये टकराएंगे एल्फा पार्टिकल तो ये वापस टकराने के बाद 180 डिग्री में डिफ्लेक्टेड हो जाएंगे इस तरीके से नहीं होंगे केवल शो करने के लिए ये डिफ्लेक्टेड हुए हैं आगे बढ़े बोर तो नहीं हुए ना आगे बढ़ते हैं देखो देखिए ऑन द बेस ऑन द दबो ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इस ऑब्जर्वेशन पर जो है रदरफोर्ड ने क्या दिया न्यूक्लियर मॉडल दिया किसका एटम का और क्या कर दिया उन्होंने डिस्कवरी कर दी किसकी न्यूक्लियस की और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इस दिस मॉडल इस मॉडल के अकॉर्डिंग अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या मास ऑफ एन एटम इज कंसेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय बायर फोर्ड जो मास है एटम का वो क्या रहता है कंसनट्रेटेड रहता है बहुत ही छोटे रीजन में क्षेत्र में फील्ड में जिसे क्या कहा गया न्यूक्लियस यानी ये आपका एटम ये जो आपका जो मास है इसका वो कंसंट्रेटेड है एक बहुत ही छोटे क्षेत्र में इसकी तुलना में जिसको क्या कहा गया न्यूक्लियस किसको क्या कहा गया न्यूक्लियस क्लियर है किसके थ्रू रदर के थ्रू न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू सराउंडेड होता है ये आपका न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के चारों ओर ठीक है इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे मूव करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है इनमें क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग चारों ओर रिसेंबल्ड लाइक सोलर सिस्टम जैसे आपका सोलर सिस्टम होता है सोलर सिस्टम में क्या होता है आपका जो ये सन है ये सन है मान लो ये क्या है सन है ना ये आपका सन है अब इस सन के चारों ओर इस सन के चारों ओर इस सन के चारों ओर जो है वो प्लानेट चक्कर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं लगाते हैं ना प्लानेट चक्कर लगाते कि नहीं लगाते हैं किसमें एक सर्कुलर पाथ में उसी इसलिए इसको किसके रिसम्बल बताया गया है सोलर सिस्टम के रिसम्बल बताया गया है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस हैं, वो हेल्ड रहते किसके थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू ये जो आपका न्यूक्लियस है और इसके जो चारों इलेक्ट्रॉन सराउंडेड हैं जो मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट में वो उन इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच क्या लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है आगे देखें अब देखो रदरफोर्ड साहब ने जो मॉडल दिया उसकी भी कुछ कमियां निकल गई उसकी भी कुछ कमियां निकल गई अब उसकी जो कमियां थी उसके जो ड्रॉबैक्स थे उसके बारे में पढ़ेंगे तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ेंगे अब इट नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में अभी भी नहीं बता पाए मतलब अपने थॉमसन साहब भी नहीं बता पाए थे और रदरफोर्ड साहब भी एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बता पाए कैसे नहीं बता पाए वो भी देखें रदरफोर्ड नथिंग सेड अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस देखो हम जानते हैं कि इस न्यूक्लियस के बाद जो आपका पहला ऑर्बिट होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं जो सेकंड ऑर्बिट होता है उसके अंदर एट इलेक्ट्रॉन होते हैं जो थर्ड वाला आपका ऑर्बिटल होता है उसके अंदर एटीन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये तो हमें अभी पता है ना लेकिन रदर साहब ने ये नहीं बताया रदर साहब ने बस ये बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे कितने रिवॉल्व करेंगे किस ऑर्बिट में ये उन्होंने नहीं बताया तो यानी एटम की जो स्टेबिलिटी है उसको ये बता नहीं पाए रदर मॉडल डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में भी वो कुछ बता नहीं पाए इट डज नॉट ओबे द मैक्सवेल लो और ये मैक्सवेल लो को भी ओबे या मैक्सवेल लो का भी जो है पालन नहीं करता था ठीक है नहीं करता है ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो मैक्सवेल का जो लो है उसको भी ये ओबे या पालन नहीं करता है कैसे नहीं करता स्मॉल मैक्सवेल का लो क्या कहता है स्मॉल चार्ज पार्टिकल मूविंग अराउंड ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल जब स्मॉल चार्ज पार्टिकल मूव करेगा ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल के चारों ओर इट कंटिन्यूसलीस एनर्जी वो कंटिन्यूस क्या करेगा इसकी एनर्जी को लूज करेगा एंड अल्टीमेटली फोल इंटू न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में गिर जाएगा यानी मैक्सल का लोग क्या कहता है कि ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऑपोजिट जो आपका नेगेटिव चार्ज वाला जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन ये इसके चारों ओर मूव करेगा तो चारों ओर मूव करते हुए क्या करेगा ये लूज करेगा इसकी एनर्जी को क्या करेगा लूज करेगा इसकी एनर्जी को लूज करता जाएगा इसकी एनर्जी को लूज करता जाएगा इसकी एनर्जी को, को और आखिर में क्या हो जाएगा ये गिर जाएगा किसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर किसके अंदर, किस अंदर? न्यूक्लियस के अंदर तो एटम तो नष्ट हो जाएगा ना जबकि एटम परमाणु कभी नष्ट न हो सकता है न बनाया जा सकता है तो ये जो है इन्होंने बताया ये क्या था इनका ड्रॉबैक था क्लियर था क्लियर है ठीक है आगे देखें इटल ब्लो टू रदरफोर्ड मॉडल ये वाइटल ब्लो देता है रदरफोर्ड के मॉडल को बेस्ट ऑन क्लासिकल कंसेप्ट जो क्लासिकल है, मतलब जो अभी आपने सोलर सिस्टम वाला लिया था ना ठीक है लेकिन देखो क्या है कि सोलर सिस्टम के अंदर सन और प्लैनेट्स के बीच में कोई भी चार्ज नहीं है वो चार्ज पार्टिकल नहीं है लेकिन जो आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है वो क्या है एक चार्ज पार्टिकल है इट डज नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा को भी नहीं समझा पाए अब देखो एक नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है ठीक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एज अल्फा पार्टिकल मूव्स विथ वेलोसिटी वी जब आपके जो अल्फा पार्टिकल है जो आपके अल्फा पार्टिकल है जब वो मूव कर रहे हैं जब वो मूव कर रहे हैं वेलोसिटी वी से एंड अप्रोचेस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं और कहा जा रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं इट्स वी डिक्रीजेस तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी है ना एंड पोटेंशियल एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस और इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी वेलोसिटी कम हो जाएगी एंड सर्टेन डिस्टेंस डी और एक सर्टेन डिस्टेंस डी पे अब देखो ये अल्फा पार्टिकल है और अब न्यूक्लियस के बीच एक सर्टेन डिस्टेंस हो गई कितनी डी और वेलोसिटी भी क्या हो गई इसकी कम हो गई डिस्टेंस कम हुई तो फ्रॉम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल स्टॉप यहां पे अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा ठीक है दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अब जो ये डिस्टेंस डी है डिस्टेंस जो जो डी है वो क्या कहलाएगी आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या कहलाएगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पोटेंशियल एनर्जी सॉरी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अब देखो जब आपका ये अल्फा पार्टिकल रुक गया तो v इक्वल टू जीरो हो गया जीरो हो गया तो अब आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नहीं लगेगी लेकिन आप जानते हैं एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है लेकिन कभी नष्ट नहीं होती तो ये जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है ये किस में चेंज हो जाएगी बेटा ये चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी ठीक है जो आपकी काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है वन अपॉइंट टू एम बी स्क्वायर और ये आपकी इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर तो ये आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्लियर है हालांकि ये पार्ट थोड़ा फिजिक्स का है लेकिन बेटा जब मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियस की अल्फा पार्टिकल की तो आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज देना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं अब देखो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल का जो स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो यहाँ पे वैसे कंप्लीट हो चुका है लेकिन उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको भी अपन पढ़ने वाले हैं क्लियर है उनको भी अपन पढ़ने वाले हैं अब वो बातें क्या है रदरफोर्ड मॉडल ही चल रहा है लेकिन उसके अंदर ये बातें हैं कुछ इंपोर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं ठीक है फ्रॉम एक्सरे एक्सपेरिमेंट जो एक्सरे एक्सपेरिमेंट हुआ इट हैज बीन फाउंडेड ये पाया गया रेडियस ऑफ द एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेन पावर माइनस टेन मीटर और वन एंड स्ट्रॉन्ग जो एटम की जो क्या है रेडियस है वो कितनी पाई गई टेन की पावर माइनस टेन मीटर वाइल जो रेडियस है किसकी न्यूक्लियस की वो कितनी पाई गई टेन की पावर माइनस फिफ्टीन मीटर तो अब इनकी इनका जो रेशो निकला जो रेडियस निकालें आप या डीए मीटर निकालें बात एक ही है रेडियस निकाल लो ठीक है तो आपने जो इनकी रेडियस निकाली आपने जो इनकी रेडियस का जो रेशो निकाला रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन रेडियस ऑफ द एटम तो ये रेडियस किसकी न्यूक्लियस की रेडियस किसकी एटम की तो इनका रेशो क्या निकला टेन की पावर माइनस फाइव निकला यानी यानी आपके जो रेडियस होती है न्यूक्लियस की वो किसका एटम की रेडियस का वन अपॉन वन लेक पार्ट होती है वन अपॉन वन लेक पार्ट होती है यानी अभी देखेंगे आप दिस शोज दैट द डीएमीटर जो डीए है यहां रेडियस कर लेना जो रेडियस है जो रेडियस है न्यूक्लियस की वो कितनी है वन अपॉन वन थाउजेंड ए किसका एटम की रेडियस का किसका एटम की रेडियस का देखो आप भी जानते हैं रेडियस को दोगुना करने पर डीएमीटर आता है तो अगर आप डीएमीटर की फॉर्म में भी निकालेंगे इसको आप रेडियस को डबल करेंगे तो भी आपका जो आएगा रेशो वो यही आने वाला है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन यहां अपन रेडियस लेके कर रहे हैं इसलिए मैं इसको रेडियस करवा रहा हूं जहां डीएमीटर लिखा हुआ है कि बात किसकी चल रही है अभी रेडियस की तो इसका वन अपॉन वन थाउजेंड होता है एटम की जो रेडियस है वो जो आपकी रेडियस है किसकी न्यूक्लियस की वो आपके एटम की रेडियस का वन अपॉन वन लेक पार्ट होता है वन अपॉन वन लेकवा पार्ट होता है यानी यूं कह सकते हैं कि जो आपकी जो न्यूक्लियस की जो रेडियस है ना वो इससे एटम की रेडियस से वन लाख टाइम्स वन लेख टाइम्स क्या छोटी है? है या यूं कह सकते हैं कि एटम की जो रेडियस है वो न्यूक्लियस की रेडियस से वन लेख टाइम्स ज्यादा है क्लियर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम इसको वॉल्यूम के टर्म में भी निकाल सकते हैं रेडियस का यूज करके वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द एटम अब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या है टेन की पावर माइनस फिफ्टीन मीटर आपका होता है उसका क्यूब करेंगे 10 की, की क्यूब करेंगे तो ये आपके टेन की पावर माइनस फिफ्टीन आ जाएगा रेशो जो क्या बताएगा कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही स्मॉल है किससे एटम के कंपेरिजन में क्लियर है द डिफरेंस इन साइज कैन बी विजुअलाइज बाय सजेस्टिंग दैट इफ न्यूक्लियस वर ऑफ द साइज ऑफ क्रिकेट बॉल एटम वुड हैव अ रेडियस ऑफ अबाउट फाइव किलोमीटर अब देखो जो आपका डिफरेंस है साइज में वो कैसे विजुलाइज किया गया कि मान लीजिए अगर आपका न्यूक्लियस जो है क्रिकेट वोल की साइज का है किसका क्रिकेट वोल की साइज का ये लो क्रिकेट की बोल ये क्रिकेट की बोल की साइज का है अगर आपका एटम सॉरी न्यूक्लियस अगर आपका न्यूक्लियस क्रिकेट के बोल की साइज का है तो जो एटम की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी फाइव किलोमीटर ये आपकी जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी फाइव किलोमीटर कितनी हो जाएगी फाइव किलोमीटर आगे देखें देयर आर ऑल्सो रिपल्शन अमंग द प्रोटोन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस बट दिस आर ओवरकम बाय द न्यूक्लियर फोर्स एक्सिस्टिंग इन द न्यूक्लियस अब देखो जो आपका जिसके अंदर रिपल्शन होता है किसके बीच में जो प्रोटोन प्रेजेंट रहते हैं ना बेटा न्यूक्लियस के अंदर उनमें रिपल्शन हो, प्रेजेंट होता है ठीक है रिपल्शन प्रेजेंट होता है प्रोटोन के बीच में बट ये ओवरकम हो जाता है किससे जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं ना किसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर उसके द्वारा ये कम कर दिया जाता है या हो जाता है इट इज बिलीव दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स नेमसेल्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स ये बिलीव किया जाता है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो किससे बनते हैं कुछ स्मॉलर पार्टिकल्स से कुछ स्मॉलर पार्टिकल से वो क्या कहलाते हैं आपके क्वार्क क्वार्क पार्टिकल ठीक है सिमिलरली अ नंबर ऑफ अदर सब पार्टिकल्स पॉजिट्रॉन्स न्यूट्रियोन्स ये कुछ जो सब एटोमिक पार्टिकल है दूसरे वो क्या किए गए डिस्कवर किए गए दीज पार्टिकल्स आर बिलीव टू होल्ड प्रोटोन्स टूगेदर विथ इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल साइज न्यूक्लियो न्यूक्लियस मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं वो बिलीव किया जाता है कि होल्डेड रहते हैं ठीक है किसके साथ प्रोटोन के साथ किसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर किसके अंदर, किस अंदर? न्यूक्लियस के अंदर आगे बढ़े अब देखो बेटा अब आपके ये यहां पे रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट हुआ हमने अब तक क्या पढ़ लिया हमने थॉमसन मॉडल पढ़ लिया एटम का, हमने पढ़ लिया रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ लिया एटम का जो उन्होंने दिया ठीक है अल्फा पार्टिकल वाला अब हम पढ़ेंगे सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन से जिनका पढ़ना बहुत जरूरी है इस ठीक है देखिए सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे देखो अब रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कमियां थी कुछ ड्रॉबैक्स थे तो उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए नील्स बोर साहब आए थे नील्स बोर साहब आए थे तो हम नील्स बोर का मॉडल भी पढ़ने वाले हैं नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जैसे मास नंबर बेटा मास नंबर क्या होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए इसको आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं करते हैं नहीं करते हैं करते ही नहीं करते हैं करते हैं ना इसको आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के जो नंबर का जो सम है वो क्या कहलाता है आपका मास नंबर और इसी को आप क्या बोलते हैं एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास क्या बोलते हैं इसको आप एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास क्लियर है ऑफ द एलिमेंट यानी किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है मतलब एलिमेंट किससे मिलकर बना होगा एटम से एलिमेंट किससे बना होगा एटम से तो एटम एलिमेंट का जो मास है एलिमेंट के अंदर जो एटम पाए जा रहे हैं उन एटम के प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम निकालेंगे तो किसका मास आएगा एटम का मास आएगा और जब एटम्स के मास का सम करेंगे तो किसका मास आ जाएगा एलिमेंट का मास आ जाएगा तो अभी हम हाँ एटम के मास की बात कर रहे हैं वैसे एलिमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी तो आपका जो एटॉमिक मास नंबर है एटॉमिक मास है वो कैसे निकलेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जैसे आपने लिया क्या यहां पे आपने लिया सोडियम अब सोडियम का जो आपका एटॉमिक सॉरी इसको एटॉमिक नंबर नहीं बोलेंगे इसको ओनली एटॉमिक मास बोलेंगे एटॉमिक एटॉमिक नंबर नंबर तो number हो जाएगा है ना मास बोलेंगे सॉरी मिस्टेक हो गई अब यहां पे देखो जो सोडियम है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा इलेवन होता है जबकि एटॉमिक मास कितना होता है ट्वेंटी थ्री होता है कितना होता है ट्वेंटी थ्री होता, होता, होता है कैसे जो कि सोडियम के अंदर जो आपके एटॉमिक नंबर है वो कितने है? इलेवन लेकिन एटॉमिक नंबर इलेवन है यानी आपके प्रोटॉन भी कितने इसके अंदर इलेवन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं पे ट्वेल्व नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने यहां पे ट्वेल्व इसलिए इसका एटॉमिक मास कितना हो जाता है ट्वेंटी थ्री तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या बन जाएगा आपका मास नंबर या एटॉमिक मास क्लियर है अब आएंगे बेटा एटॉमिक नंबर की बात अब करेंगे वो एटॉमिक मास था है ना अब आएंगे अपन एटॉमिक नंबर पे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड इसको रिप्रेजेंटेड करेंगे किसके थ्रू जेड के थ्रू एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहे थे ए से और एटॉमिक नंबर को जेड से द नंबर ऑफ प्रोटोन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट मतलब जो एटोमिक नंबर है वो क्या होता है जो एटम के अंदर यानी जो न्यूक्लियस के अंदर एटम के जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं जितने प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं उनका नंबर ही क्या होता है बेटा एटॉमिक नंबर होता है एटम का ठीक है इट इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियर चार्ज इसको आप न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज भी होता है एक तरीके से फोर न्यूट्रल एटम अब कोई न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटोन ही क्या होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे क्लियर है जैसे आपका ये सोडियम अभी वापस लेता हूं मैं इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटोन भी इलेवन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इलेवन है क्योंकि ये क्या न्यूट्रल है इस पर कोई चार्ज अभी नहीं है फोर चार्ज एटम लेकिन अगर कोई charged atom है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा एटॉमिक नंबर में से जो आपका एटॉमिक नंबर है उसमें से चार्ज ऑन एटम यानी चार्ज को माइनस करना पड़ेगा कैसे मान लीजिए अब इसको चार्ज की फॉर्म में ले लेते हैं ठीक है आयंस की फॉर्म में ले लेते हैं तो अब इसका जो आपका क्या है एटॉमिक नंबर वो तो इलेवन ही है लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन सब इसमें इलेवन नहीं है टेन है कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना इलेवन जेड माइनस चार्ज कितना इस पे वन तो कितना हो जाएगा टेन यानी अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा टेन इलेक्ट्रॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर टेन इलेक्ट्रॉन है क्लियर है आगे पढ़ते हैं अब देखिए बात करेंगे क्लोरीन की किसकी करेंगे क्लोरीन की अब क्लोरीन का भी एग्जांपल ले लेते हैं मैंने सोडियम के एग्जांपल के थ्रू आपको समझा अब क्लोरीन के अंदर आपका जो प्रोटॉन का नंबर है या जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है सेवनटीन लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं 18 इसलिए इनका सम कितना हो जाता है 35 और इसका एटॉमिक मास कितना है 35 ठीक है लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 17 क्योंकि क्या है ये एक न्यूट्रल एटम है तो इसलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो क्या है इसमें सेम है टू डिफरेंट एलिमेंट कैन नॉट द सेम एटॉमिक नंबर दो डिफरेंट एलिमेंट का कभी भी सेम एटॉमिक नंबर नहीं होगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपको निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना पड़ेगा मास नंबर मतलब ए एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे यानी जेड को माइनस करेंगे तो एटॉमिक नंबर कैसे एटॉमिक मास कैसे निकल रहा था मास नंबर कैसे निकल रहा था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स के नंबर माइनस क्या है आपका पे एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन्स के नंबर तो ये पी से पी कैंसिल किया जाएगा न्यूट्रॉन कहने का मतलब मास नंबर में से अगर आप किसको माइनस कर दें? को जैसे इसका मास नंबर कितना थर्टी फाइव ठीक है इसमें से माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर यानी 17 को तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी न्यूट्रॉन के नंबर कितने आएंगे 18 तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे 18 समझ बात आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट कोई भी एलिमेंट आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा यहां पे एक्स जो है सिंबल है एलिमेंट का ये एलिमेंट का सिंबल है और यहां पे ये यह शो कर रहा है किसको एटॉमिक नंबर को और ये किसको शो कर रहा है एटॉमिक मास को अब बेटा आइसोटॉप्स आइसोटॉप्स के बारे में बात करेंगे किसके बारे में आइसोटॉप्स के बारे में क्या होते हैं आइसोटॉप्स ध्यान से देखना है ना अब देखो आइसोटॉप्स क्या होते हैं ये किसके थ्रू दिए गए एक साइंटिस्ट आए थे सोडी साहब है ना वो तारक मेहता वाला सोडी नहीं ही है है, ना ये सोडी है साइंटिस्ट है, है ना ये पहले आ चुके हैं आर द एटम्स ऑफ़ अ गिवन एलिमेंट, तो सोडी नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या बताया कि जो एटम्स होते है, हैं गिवन एलिमेंट के विच हैव द सेम एटॉमिक मास जिनका सेम एटॉमिक मास हो ऐसे एटम्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो सॉरी सेम एटॉमिक नंबर हो सेम एटॉमिक मास नहीं सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास लेकिन मास क्या हो डिफरेंट हो जिनका मास नंबर क्या हो डिफरेंट हो यानी ऐसे एटम जिनका किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम किसी भी एलिमेंट के किसी भी दिए हुए एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर या एटॉमिक मास जिसको कहेंगे वो क्या हो डिफरेंट हो वो क्या होते हैं हमारे आइसोटॉप्स कहलाते क्या कहलाते आइसोटॉप्स कहलाते दे हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज इनमें सेम न्यूक्लियर चार्ज होता है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लेकिन इनमें जो न्यूट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं सेम न्यूक्लियर चार्ज होने का मतलब है प्रोटॉन्स की जो नंबर है वो सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स के नंबर अलग अलग होते हैं अब देखो ये कार्बन के थ्री आइसोटोप्स हैं C12, C13 और C14। अब यहां पे देखो आप सबके एटॉमिक नंबर सेम है तो सबके प्रोटॉन्स के, के नंबर भी क्या है यहाँ पे सेम है ठीक है अब प्रोटॉन्स अब ये क्या है ये एक न्यूट्रल एटम है तो इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे प्रोटॉन्स के नंबर के इक्वल होंगे है कि नहीं है लेकिन अब आप देखो इसका एटॉमिक मास या मास नंबर ट्वेल्व है इसका थर्टीन है, है तो बेटा हम न्यूट्रॉन्स के नंबर कैसे निकालते हैं प्रोटॉन्स में से सॉरी इस मास नंबर में से किसको माइनस करेंगे हम प्रोटॉन्स को माइनस करेंगे यानी ट्वेल्व में से सिक्स माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे सिक्स थर्टीन में से हम इस सेवन सॉरी थर्टीन में से थर्टीन में से ये जो हमारा एटॉमिक मास है इसका या मास नंबर है उसमें से हम किसको माइनस करेंगे इस प्रोटॉन्स के नंबर को किसको प्रोटॉन्स के नंबर को माइनस करेंगे तो प्रोटॉन्स के नंबर को जब हम माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन के कितने नंबर आएंगे सेवन कितने नंबर आएंगे सेवन यानी इसमें न्यूट्रॉन कितने सेवन थर्टीन में से सिक्स के तो सेवन इसका कितना है मास नंबर इसमें से किसको माइनस करेंगे प्रोटॉन कितने इसके सिक्स तो कितना आएगा न्यूट्रॉन एट तो देखो इसमें जो है आपके न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है न्यूक्लियर चार्ज सेम है प्रोटॉन्स की संख्या सेम है तो न्यूक्लियर चार्ज सेम है लेकिन डिफरेंट न्यूट्रॉन के नंबर है जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या है डिफरेंट है तो ये डिफरेंट आया कि नहीं आए तो ये आपका क्या होता है बेटा आइसोटॉप्स अब आइसोबार्स क्या पढ़ने वाले बेटा आइसोबार्स क्या पढ़ेंगे आइसोबार्स है ना आइसोबार्स पढ़ते हैं ध्यान देना बिल्कुल थोड़ा मजा आना चाहिए आपको भी मुझे भी आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में है ना तो आइसोबार्ड्स क्या होते हैं बेटा गिवन बाय एस्टन ये किसके द्वारा दिए गए एस्टन साहब के द्वारा आइसोबार्ड्स दिया गया वो सोडी साहब ने दिया था ये एस्टन साहब ने दिया है आइसोबार्ड्स आर द एटम्स आइसोबार्ड्स क्या होते हैं एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के म जिनका सेम मास नंबर होता है वह मास नंबर अलग अलग था या मास नंबर सेम है बट डिफरेंट एटोमिक नंबर लेकिन इनका एटॉमिक नंबर हो डिफरेंट वहां एटोमिक नंबर सेम था सो देट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इनके एटोमिक नंबर ही डिफरेंट होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट होंगे प्रोटोन भी डिफरेंट होंगे एंड न्यूट्रॉन के नंबर भी क्या होंगे डिफरेंट ही होंगे बट सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रिमेन सेम लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का जो सम है वो क्या होता है सेम होता है तभी तो इनका मास सेम होगा नहीं तो कैसे नहीं तो अलग अलग नहीं आएगा क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर से के सम से ही तो मास मिलता है देखो कैसे ये आपका पोटेशियम ये कैल्शियम अब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है ना लेकिन पोटेशियम का एटॉमिक मास या मास नंबर 40 और कैल्शियम का भी एटॉमिक मास या मास नंबर 40। यानी इनका एटॉमिक मास क्या है या मास नंबर क्या है वो सेम है लेकिन जो आपका इसके अंदर क्या दे रखा है एटॉमिक नंबर वो क्या है डिफरेंट वो क्या है डिफरेंट तो ये आपके क्या होंगे आइसोबार्स होंगे अब इसमें बोला गया है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो भी अलग अलग होंगे देखो इसके अंदर 19 एटॉमिक नंबर इसका 19 तो प्रोटॉन भी 19 लेकिन इसमें एटॉमिक नंबर 20 तो प्रोटॉन के नंबर भी 20 होंगे तो डिफरेंट है या नहीं है ठीक है इसमें न्यूट्रॉन के नंबर कितने 21 हो जाएंगे कैसे 40 माइनस नाइनटीन ट्वेंटी होगा नहीं होगा इसमें न्यूट्रॉन के नंबर 20 होंगे कैसे 40 माइनस ट्वेंटी तो कितने आएंगे 20 तो न्यूट्रॉन के नंबर भी क्या है आपस में डिफरेंट है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं जब प्रोटोन नाइनटीन है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे नाइनटीन एटोमिक नंबर ही नाइनटीन है क्योंकि न्यूट्रल एटम में ठीक है कोई चार्ज नहीं है इसमें इसमें देखो एटॉमिक नंबर कितना 20 प्रोटॉन भी 20 तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं ट्वेंटी तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये भी न्यूट्रल एटम है तो जितने इसमें क्या ना होंगे एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन होंगे वही इलेक्ट्रॉन होगा लेकिन इसमें आपस में अगर कंपैरिजन करो तो इसके 19 और इसके 20 इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों की जो नंबर है वो क्या है अलग अलग है लेकिन सेम क्या है एटॉमिक मास सेम है क्योंकि इसमें जब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को जोड़ रहे अपन देखो न्यूट्रॉन 21 प्लस प्रोटॉन 19 इनको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 40 आ रहा है 21 प्लस 19 40 और इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जोड़ रहे हैं तो 20 प्लस 20 कितना आ रहा है 40 तो यानी एटॉमिक मास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन के नंबर क्या है सेम है क्या है सेम है ठीक है तो इसलिए क्या कहलाते हैं आइसोबार्स कहलाते हैं अब एक छोटा सा क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं मैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है है ना तो वो देखें आप कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन ब्रोमीन में आपको कैलकुलेट करना है किसके नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को कैलकुलेट करना है इन दिस केस आपका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हो जाएगा 35, 35 दे रखा है ये देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी एटम को ये एटम का सिंबल ये आपके एटॉमिक मास और ये आपका एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर कितना है यहां पे जेड थर्टी एटॉमिक मास कितना है यहां पे ए इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना इस तरीके से एक्स ये आपका हो जाता है जेड और ये आपका हो जाता है ए तो ए इक्वल टू कितना एटी तो आपके देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होंगे एटॉमिक नंबर के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी किसके इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के चूंकि ये क्या है? एक न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 35 ही होंगे और प्रोटॉन भी 35 ही होंगे तो 35 आ गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर निकल गए 35 लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे a -Z. तो कितना आएगा एनसाइव इक्वल टू फोर्टी फाइव न्यूट्रॉन इसके अंदर हो जाएंगे क्लियर है अब देखिए ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी था है ना इसके बाद इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा बेटा जो अगला मॉडल है मैंने बोला था बोर्ड्स मॉडल आएगा आएगा नहीं आएगा तो बोहर मॉडल के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं बोहर मॉडल के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं पढ़ने वाले हैं लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे कब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कब पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में ठीक है तब तक आप लोग सस्पेंस में रहिए कि बोहर मॉडल क्या होता है थोड़ा अपने से पढ़ने का प्रयास कीजिए है ना कोशिश कीजिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो बेटा अगले नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे बोहर मॉडल के साथ बोहर मॉडल क्या होता है यह आपको बताया जाएगा ठीक है आज की क्लास में हमने बेटा क्या पढ़ा आज की क्लास में हमने जो एटॉमिक मॉडल है थॉमसन मॉडल फर्स्ट सेकंड रदरफोर्ड मॉडल ठीक है और उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी है ना और मैंने आपको बताया था रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को दूर करते हुए उनके मॉडल के ड्रॉबैक्स को दूर करते हुए कौन आएंगे बोहर साहब आएंगे तो बोहर मॉडल के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं बच्चों ठीक है आज के लिए बस इतना ही आप सभी का धन्यवाद जय श्री कृष्णा